सो गाइस फाइनली पहुंच गए, बैक कैमरा ऑन करते हैं। अगर उसकी बीवी होगी तो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बीवी बहुत चिढ़ती है, क्योंकि वो भी पुलिस ऑफिसर है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पुलिस ऑफिसर है। हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, न्यू ईयर का रिजोल्यूशन। हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, न्यू ईयर में आपने क्या क्या प्लान किया? न्यू ईयर का क्या रिजोल्यूशन लिया? आपने क्या सोचा कि न्यू ईयर में क्या करना है? तो मैं सबसे पहला काम करने जा रहा हूँ, जो हर साल की बात, इस साल भी मैं करने जा रहा हूँ, जिम ज्वाइन। तो इस साल मैं जिम ज्वाइन करने जा रहा हूँ 2024 में, और कितना दिन तक जिम कर पाऊँगा ये देखते हैं। तो चलते हैं, अभी बस स्टैंड आ गए हैं, यहाँ से चलते हैं। सेंटर पे मेरा जिम है, तो यहाँ से दो स्टॉप लगता है। तो यहाँ की जो सर्बियन जिम है, कैसा होता है सर्बियन जिम, क्या चार्जेस लगती हैं इंडिया के कंपेयर में, सारा चीज़ें करके मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। और अभी चलते हैं, वेट कर रहे हैं बस का, उधर से बस आएगी, अभी 5 नंबर बस आती है, तो दिखाते हैं अभी आपको बस। सो गाइस, बस तो आ गई। तो गाइस, बस में घुसने के साथ आपको यहाँ पे बस कार्ड टैप करना रहेगा, और बस कार्ड टैप करने के बाद आपको यहाँ इधर का इस तरह का बस मिल जाएगा आपको सामने में। से उतर गए हैं, अब चलते सीधा जिम के लिए, और आज अपने जिम ट्रेनर से मजाक करेंगे। जिम ट्रेनर से क्या मजाक करेंगे, बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को फ्री में करने दो। मतलब वो फ्री तो नहीं देगा करने के लिए, बट है क्या कि ये ऐसा कर सकता है, वो 3 से 4 दिन मतलब फ्री करने दे सकता है, क्या कि 3-4 दिन मतलब सप्ताह भर। सो गाइस, वो फ्री तो नहीं करने देगा, बट ये है कि 3-4 दिन के लिए मान जाएगा। अगर मैं ये बोलूँगा कि घर से पैसा आने में लेट हो रहा है जिम करने, तो वो मान जाता है। बट देखते हैं, आज बोलते हैं क्या फ्री या कुछ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर सही रहा तो डाल देंगे वीडियो, ज़्यादा खराब रहा तो नहीं डालेंगे वीडियो, अगर वो गुस्सा कर गया तो। देखते करके प्रैंक। गाइस, देख सकते हो जिम पहुँच गया, और ये जिम ज्वाइन करने का मेन मेरा रीज़न ये है ना कि यहाँ पे सीधा उस साइड भी बस स्टॉप है, इस साइड भी बस स्टॉप है, तो इसी वजह से यहाँ पे चलते हैं अंदर। सो गाइस, फाइनली पहुँच गए, बैक कैमरा ऑन करते हैं। अगर उसकी बीवी होगी तो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बीवी बहुत चिढ़ती है, क्योंकि वो भी पुलिस ऑफिसर है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पुलिस ऑफिसर है। देखो यहाँ से ये नज़ारा है। सो गाइज, यहाँ पे हमारी ऑनर बैठी है, ये दोनों ऑनर है, मतलब दोनों बॉडी बिल्डर हैं, और दोनों ऑनर है, और दोनों पुलिस में भी है, हस्बैंड वाइफ है। सो हाय डैकी। हाय। हाय। सो व्हाट डू यू वांट टू से इन न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर। ओ, कम फ्रॉम डैकी जिम। ओ थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस। ओ थैंक यू। सो गाइस, जैसे वी ये लोग क्रिसमस 7 को सेलिब्रेट करते हैं, 25 को नहीं करते, 25 को ये सब सेलिब्रेट नहीं करते। और यहाँ पे देख सकते हो हर जगह क्रिसमस मतलब ट्री लगा रहेगा, इनके शुभ माना जाता है हर जगह। इन योर होम ऑल्सो यू हैव पुट द क्रिसमस ट्री? इन योर हाउस यू हैव? यस, एवरीवेयर यू इन एवरी हाउस इन सर्बिया यू हैव अ क्रिसमस ट्री। ओके, स्टूडेंट? या फोर गाइस, 2400 स्टूडेंट के लिए। और सो टेक जैकी।
सो गाइस, जो लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए ये फिटपास पार्टनर ऐप सही है कि आप कहीं भी जाओ वो हर लोकल जिम कनेक्टेड रहता है, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ आपको ये फिटपास मिलेगा। सो गाइस, ये मेरा ड्रेसिंग रूम है, चेंजिंग रूम, कि यहाँ पे आके आप अपना चेंज कर सकते हो। और अब चलते हैं बाहर जिम करने के लिए। सो गाइस, जो बिगनर होते हैं उनके लिए स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट, क्योंकि स्टार्ट पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने यू ज्वाइन किया था इंडिया में, तो मेरे को पता ही नहीं चलता था कि इसे भी कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, तो यूट्यूब देख के मैंने किया था। क्योंकि स्टार्ट, स्टॉप, पॉज, पॉज वगैरह से कोई मतलब नहीं, स्टॉप और ये दोनों से मतलब होता है बस। और ये वाला होता है क्या, इमरजेंसी स्टॉप, कि इसको लगा के रखोगे तो गिरोगे नहीं, जैसे जब चलने लगेगी तो गिरोगे नहीं। तो अब पैर दोनों साइड में ही रखना पड़ता है, रख के स्टार्ट करो और फिर अब चालू हो गया। तो वो जो सामने वाला बंदा कर रहा है वो भी पुलिस में ही है। यहाँ रिमोट भी दिया हुआ रहता है कि आप अपना यहाँ टीवी जो चल रहा है स्क्रीन, इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि चैनल बदलोगे तो बदल जाएगी, दूसरे चैनल बदलता चला जाएगा। ये कुछ न्यूज़ वगैरह आपके बारे में देख सकते हो।
सो गाइस फाइनली जिम ख़त्म हो गया और जिम करके बाहर निकल गए। अब यहाँ पे हमारा बस स्टॉप है और देखते हैं बस स्टॉप से चलते हैं। हाय बस स्टॉप से चलते हैं, मतलब यहाँ देखते हैं बस अगर लेट होगी तो थोड़ा सा सेंटर जाते हैं, थोड़ा सा सेंटर भी बहुत दिन से नहीं गए तो दोनों में से देखते हैं क्या किया जाता है। और घर जाके अभी खाना भी बनाना है तो चलते हैं। सो गाइज सेंटर पे आए, बट सेंटर का पूरा ब्लॉग दिखाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इसका बोले थे अलग से ब्लॉग लाएंगे, न्यू ईयर भी चले गए बेलग्रेड मनाने के लिए, तो इसी वजह से क्या हुआ कि सेंटर का अभी तक वीडियो आप लोग के पास ला नहीं पा रहे हैं। और अभी जल्दी लाएंगे, कोशिश करेंगे लाने का, क्योंकि अभी एक से दो दिन में आपको वीडियो दे देंगे सेंटर का भी, यहाँ का सेंटर कि कितना मस्त है। पहले भी दे रखे हैं बट अभी क्रिसमस में क्या कि पूरा अच्छे तरीके से सजाया गया और इस बार बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से बनाया गया और पहली बार ये शहर में इसको पूरी तरीके से सजाया गया पूरा शहर को। पहले पूछे थे तो बता रहे थे कि पहले उतना नहीं सजाते थे क्योंकि सेंटर उस तरह का बना हुआ नहीं था और अभी इलेक्शन था यहाँ पर चल रहा था तो इसके वजह से भी ये लोग पूरा सजाए हैं और ये लोग सेंटर को पूरा अच्छा तरीका से बनाए हैं क्योंकि अभी और जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ था वो इलेक्शन एक जनवरी से पहले था लेकिन इलेक्शन के लिए भी प्रोटेस्ट चल रहा है बेलग्रेड में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। ईवीएम जैसे अपने यहाँ ईवीएम हैकिंग वाला सिस्टम होता है यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ है तो इसी वजह से यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर से इलेक्शन करवाने के लिए कह रहे हैं। और जैसे लोकल से मैंने बात किया था तो उसने बताया था क्या कि अभी इसी बार पहली बार इसलिए कि इतना अच्छा किया ये लोग क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन था वरना नहीं करते, ये लोग भी हर साल इसी तरह छोड़ देते थे तो इस बार इलेक्शन में पिछले बार प्रॉमिस किया होंगे जो भी यहाँ का मेयर वगैरह होगा तो उसकी वजह से हुआ था। चलते अब बस के लिए, वो स्टॉप पर बस तो नहीं, अब दोबारा वहाँ जाते तो फिर ज़्यादा दूर पड़ जाता तो यहीं पर पास में भी एक बस स्टॉप है तो चलते हैं यहीं से बस ले कर। सो गाइस फाइनली बस आ चुकी है और एक नंबर, आज लेट हो गई ज़्यादा ही देर। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं का ये वाला लगाते घर में सब जाके अपना गेहूं वाला, पता नहीं क्यों यहाँ पे शुभ माना जाता है इसके वजह से। और मैं आया था ये लेने के लिए कि जिम के बाद थोड़ा डाइट वाइट का भी मेंटेन किया जाना चाहिए तो काजू वगैरह तो सब चीज़ है ही, अभी सारा ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट ड्राई फ्रूट्स है ही क्योंकि अभी चाहिए नहीं इसमें से कोई सा भी, अभी कुछ दिन के बाद ख़त्म होगा तब सब एक साथ लेंगे, अभी एक डेट ले लिए हैं और चलते हैं अब चिकन वाले की ओर। सो गाइस देखो स्लाइस कैसे काट रही है, कितना मस्त तरीके से काट रही है, प्रॉपर मशीन अलग से रखी हुई है और उससे काट के दे रही है। सुबह खा लेता हूँ लेकिन क्या होता है कि आज सुबह खाना भूल गए थे क्योंकि सुबह चिकन पड़ा हुआ था तो इसके वजह से चिकन खा लिया और ये खाना भूल गए तो इसी वजह से चलो इसको साफ। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए इसी की तरह और नया साल में कुछ कुछ नया करिए, ट्राई करिए, चलते हैं बाय।